सामने नाज़रीन, एक बहुत ही दिलखराश खबर जो आप लोग भी जानते हैं कि डॉक्टर उसामा जो कि पहले शहीद डॉक्टर हैं पाकिस्तान में, उनको दफनाया जा चुका है बाकायदा एजाज के साथ। जबकि एक पहली स्टाफ नर्स जो हैं वो भी शहीद हुई हैं, अरीमा नसरीन साहिबा, उन्होंने शहादत हासिल की है। और पूरी कौम उन इन दोनों जो है अपने बेटे बेटी को जो है सलाम पेश करती है, सल्यूट करती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक दिल गुर्दा चाहिए होता है इंसान को कि वो इतनी बीमारी की हालत में, मतलब इतनी वबा जब फैली हो तो अपने घरों से ये लोग निकलते हैं। मेडिकल स्टाफ है, हमारी आर्म फोर्सेस हैं, हमारी पुलिस है, गो के आम हालात में हम इनके साथ एक तनकीद का रवैया भी रखते हैं, लेकिन इन हालात में ये लोग हम लोगों के लिए मौजूद हैं, स्पॉट मौजूद हैं, ऑन स्पॉट मौजूद हैं, फ्रंट लाइन पर खड़े हैं और हमारे लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम इन्हें सलाम पेश करते हैं। आप इस वक्त कहीं भी चले जाइए, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ और जो डॉक्टर्स हैं इनकी अवेलेबिलिटी जो है 100% बनाई गई है, ये लोग मौजूद हैं ग्राउंड्स पर। और गवर्नमेंट को मज़ीद चाहिए कि इनकी जो है मज़ीद जो है केयर के लिए इनको किट्स मुहैया की जाएँ, जो कि चाइना से भी मंगवाई गई हैं किट्स, और इसके अलावा मज़ीद इनके लिए हेल्थ मेजर्स लिए जाएँ ताकि ये लोग अपने प्यारों के साथ जिंदगी गुजार सकें। इसी तरह कल एक 1122 के अहलकार ने 10 लोगों को करंतना सेंटर में, क्वारंटाइन में पहुंचाया। हम उसको भी सलाम पेश करते हैं, उसका नाम किसी वजह से मुझ तक नहीं पहुंच सका। जबकि ये तीनों हीरोज़ हमारे हैं और हम जो है समझते हैं पूरी कौम ने सलाम पेश किया।